है तेरा? ये रहा यहाँ, ये रहा घुटनों में, देख तू। ये वो जाने से 2 महीने के बाद में पड़ी। तो वो कह तो रहा है, वो कह रहा है मेरे पास बैठ एकांत में, तुझे चलने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे चलने नहीं दूंगा। तू उसकी बात मान नहीं रही, तू चलने पे उतर रही है। एक जगह बैठ, बोले राम का नाम ले, मैं भी ले लूंगा तेरे साथ। अब देख मैं निकालू तेरे घुटने में से। नाम बता तू अपना। बसंती नाम बता अपना। बसंती। अच्छा बेटा ठीक है। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्या लगते हो भाई इसके? तू बहू है बसंती की? बसंती तेरे बहू का तुम्हें क्या की? घोड़ी का क्या रहा? घोड़ी का क्या रहा? देखो क्या होगा क्या नहीं। नहीं, तेरा धर्मेंद्र तेरे पीछे पड़ा था, तेरे पास एक घोड़ी थी भूल गई रामनगर की। कमाने वाला ध्यान करने वाला चला गया, हंस के रहा कर चला गया। जो चला गया सबने जाना। अब आज हो गई मैं उसके जाने से। तरवर पत्ते से कहे सुन पत्ता एक बात, इस घरे ही रीति है एक आवत एक जात। ये बात तरवर तब कह रहा है जब पत्ता गए। पात बरनता यो कहे सुन तरवर एक बात, सुन तरवर बन रहा है। अब के बिछड़े कब मिले कहाँ मिले पड़ेंगे जाए। तो फिर पत्ता फिर तरवर कह रहा है इस बात को। वो कह रहा है अब के बिछड़े कब मिले कहाँ चले जाएंगे, तू गले मिल ले एक बार। पत्ता कह रहा है पेड़ से, लेकिन पेड़ कह रहा भाई ये तो रीति है सदा की। ठीक है नहीं थोड़े दिन तो मेरे को रख। चल आजा, तू नाम बता उसका। शंकर। शंकर जी को शांति दे शनिदेव महाराज। बोल दे शंकर। शंकर कहाँ दर्द? देखो कहाँ दर्द है? कैसे हुआ उनका? शंकर का नाम लिया था। हाँ फिर क्या? शंकर शंकर बसंती का शंकर हो नहीं सकता। शंकर तो पार्वती के हैं। गली मोहल्ले में तो पार्वती के काम नहीं पड़ा। डॉक्टर कहते ऑपरेशन करवा। मैं ऑपरेशन कहाँ? अच्छा कहे का? डॉक्टर कहते ऑपरेशन करवा। कहे का ऑपरेशन करवा? गोड्डों का भाई। उसने ले लेना वो। कहाँ दूसरा फोन? अरे दूसरा फोन कहाँ है? बोल रहे भैया तेल ले गए थे वो। मैं तेल की मालिश। तेल तो लेके गए थे। जूती कहीं की? तेरा नाम क्या बताइए? सुनीता। तू सच्ची हो नहीं सकती। लगाती थी, बहू भी लगाता था, पोता भी लगाता था, मेरा लड़का भी लगाता, खुद भी लगा लेती। फिर आराम ना पड़ा और ज्यादा झगड़ी गई। और ज्यादा दिक्कत हो गई। और ज्यादा दिक्कत हो गई ना? और मतलब 2-4 दिन से ज्यादा से तेल लगवा। क्या बात कर रही है तू? भाई गुरुजी का मिल के जाएंगे, गुरुजी से तेल लगवा। तू आज पहली बार आई है? इतवार को आए थे। तुम भी आई थी? दूसरी बार आई। मैं पहली बार लेके ज्यादा परेशानी हो गई थी तो इसलिए लेके आए। मुझे तेल लेके गए थे। तने तो बहुत इंतजार किया मेरा। करते रहेंगे। गोड्डे का दर्द मेरा सही हो जाए आपका एहसान नहीं भूलूंगी जी। गुरु जी ने तो मेरा क्या एहसान? क्या भूलने की बात करिए? तो मेरा क्या एहसान? मनु जी मैं नाम लेती हूं। शनिदेव महाराज करने वाले हैं ना। मिली सवेरे शनि महाराज से मिली। मैं तो शनि महाराज से यही कहा एक बार शंकर को ले जाओ। शंकर शंकर उसका प्यारा है। शंकर का वो गण है। गण है शनिदेव महाराज शंकर के गण है। तो शंकर को ही ले जाए। ले जाए जी। परम पूज्य मनु भैया जी को याद करो। उसके जाने के बाद 2 महीने से लाचार हो गई। सही में दिखा माता जी ऊपर लगा। पहले तो इसमें फिर इसमें बड़ा प्रेम करता था तुझसे। बेशक गाली देता था है ना? प्रेम भी करता था कुछ? गाली देता था, बहुत देता था। प्रेम नहीं करता था बूढ़े पे। उसके जाने के बाद तू इल्जाम लगा रही है। कोर्ट में खड़ा कर दूंगा मैं तेरे को। ब्रह्मा जी का श्राप लग जाता है महिलाओं को जो अपने आदमी की बुराई करती है। फिर उनके पैर नहीं चल। पापा तो बहुत पूछ। मम्मी कहीं चली जाती थी, बार बार पूछते थे पापा। क्या मम्मी को कहीं चली जाती थी? फोन भी करते थे कहाँ चली गई कहाँ चली गई। हाँ वो लड़ते थे ना। उनका दिमाग जो है वो बेशक वो, लेकिन ऊपरी लड़ाई थी वो। जाने थे तू सारी है। तू क्या लगती है इसकी बेटी होगी तू? है अच्छा सबसे बड़ी पूरे घर में? भाई मुझसे बड़ा सबसे छोटी हूँ। अच्छा
तेरे बच्चे तो बड़े खूबसूरत है, देखिए सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे एक्टर एक्टर। बाप था खूबसूरत, ओ मैं तो नहीं थी। मतलब ये बाप से भी कम खूबसूरत है? ओए पापा बहुत सुंदर थे बाप। तो शंकर भगवान सुंदर हैं कि नहीं है? पापा के गुलाबी तो होंठ थे, गुलाबी होंठ है बिल्कुल श्वेत रंग शंकर भगवान का। कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार टमाटर के जैसे। फिर तूने कैसे फंसाया उस बूढ़े को? पहले हम तो बोलते नहीं थे, आजकल की लड़कियां फोन पे ही बातें कर लेती, हम तो देख के छुप जाते नहीं, थे। तेरी मम्मी ने तो कोई टोना टोटका ना कराया कि तू पसंद कर ली उसने? ना ना। हाँ? वो गांव रहते थे, मैं दिल्ली रहती थी। अच्छा, वो दिल्ली वाली के चक्कर में फंस गया बूढ़ा? रिश्ता बता देते रिश्तेदार। अच्छा, वो दिल्ली वाली के चक्कर में फंस गया भाई बूढ़ा, और तो कुछ नहीं। लेकिन शंकर भगवान जैसे गोरे थे ऐसे ही तेरा भगवान के दरबार में मथुरा रहते थे वृंदावन। अच्छा, मथुरा वृंदावन में। आपकी भाषा तो वहाँ की है ना? हम दिल्ली से, मैं शुरू से रही। अच्छा, कौन सा गांव है वहाँ? बठेन कला? बठेन तो भाई साथ में ही है। अच्छा, फिर कौन सा है? ये छाते के साथ में कोसी। हाँ, कोसी कला की है तू? शनिदेव के घर की? शनिदेव वहाँ है, शनिदेव के घर की है। तो भाई ये माता जी तो शनिदेव के, शनिदेव के घर की निकली। कान्हा जी भी है, कृष्ण, सारे भगवान। कोसी कला शनिदेव के नाम से पहचाना जाता है, कृष्ण भगवान के नाम से नहीं। ये बात सुन ले, तू कोसी की है तो शनिदेव की है कि नहीं है? कोसी की। फिर नाम बता रही भगवानों के। शनिदेव वहाँ आज तक है, भगवान कृष्ण चले गए द्वारका नगरी में, आगे ना अमीर हो गए वहाँ जाके, तभी तो सारे के सारे गुजराती अमीर है, वो द्वारका नगरी में चले गए, आगे ना समझ में, यूपी को गरीब करके छोड़ गए। बगाओ योगी का कुछ थोड़ा बहुत विकास कर लिया ना, तो मामला खराब ही हो गया था तुम्हारा। मम्मी नहीं यूपी में, खेती बाड़ी का काम है। हाँ, वो डंडा लगे जा भाई। किसका काम है? खेती बाड़ी का, जैसे लोग बागों का सबका ही। अच्छा, एक बार इस पैर को ऊपर नीचे करके देख, दर्द है कहीं? हल्का हल्का कहाँ? दर्द होता था। अरे शंकर जी निकल ले, मान जा मेरी बात, मान जा तू, तेरे जाने के 2 महीने बाद तू क्या सोच रहा है? इल्जाम तुझ पे ही है सारा का सारा, तू चाहता नहीं तो जाता जाता बुढ़िया से बड़ी। जाने भगत से भी दिखवा लिया, कुछ भी नहीं पता। हाँ, किसने मेरा शंकर है? शंकर कोई पिछाड़ में आता है क्या? उसके अनेक रूप है, नहीं कर रहा काम? नहीं कर तो दी, बना दी। पूरा हो गया अभी? कहाँ पूरा हो गया? चलेंगी माता जी? हाँ, तो बाद में बन जाएगी दूसरी बना ले अभी थोड़ी। देखो चलो भाई, चल के दिया एक बार, देखो चल के दिखा दो, फिर मैं देखू। इसके अलावा जय शनिदेव बोलो माता जी, गर्दन मार कमर में, वो भी मैं देखू। पहले चल के आओ माता जी, जय शनिदेव बोलो भाई, हाथ पकड़िए रे, गिर ना जाए। जय शनिदेव बोलो, जय शनिदेव, जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव बोलो। कोसी वाले की, शनिदेव महाराज की जय। कोकिला वन वाले की, महाराज की जय। शनिदेव परम पूज्य मनु भैया जी की जय। चल चल, डर मत। अरे डर मत, जैसे पहले थी तू वैसी होगी है। छोड़ दो भैया हाथ, छोड़ दो, डर मत, डरना नहीं है तुम्हें, डरना नहीं है। वापिस मुड़, बाप दिखाएगा। और माता जी कैसे हैं आप? बोलो शनिदेव महाराज की जय, मनु भैया की जय। तालियां बजा दीजिए, माता जी बिना लट के चल रही है। अब तो आंखों से डराया करेंगी माता जी, अब तक लट से डराती थी। है कुछ आराम थोड़ा बहुत पड़ा? सही बताइए ईमानदार से, ये गोटा ना इसमें है थोड़ी, और उसमें परले में सारी एक बार में निकलेगी कैसे? कल आप परसों आप परले देना। अब तो ये आराम से चढ़ भी गई, अभी लाठी लेके अपने आप, आप अपने आप चढ़ गई तू। अब तो बैठ गए आप। वो जो तेरा शंकर था वो क्या कहा करता था? कहाँ तेरी घोड़ी? ऐसे ही फालतू की गाली दिया करता था। हाँ, अरे ऐसे वो किया करता था, तेरी घोड़ी कहाँ है? तो फिर आज मैं उस तेन कह दूंगा शंकर तक, भाई घोड़ी का चारा खा लिया तभी चल पा रही है। कोई नहीं, दर्द कह नहीं रहेगा, तू घबरा मत, तेरे घुटने में ठीक करके छोटूंगा, तेरे का पता चल गया मुझे पहले ही हाथ लगाते ही। हाँ, आ गया ना समझ में? आ गया, ये शंकर है।
ये शंकर गया नहीं ऊपर, भगवान का नाम उसने लिया नहीं होगा, जीते जीते गाड़ी देने पला गया था। सुनने पे बैठ गया, हाँ बैठ गया, घुटने पे बैठ गए। मैं तेरे को आज बता रहा हूँ, अपाहिज नहीं किया, वो तेरे साथ रहना चाहता है, उसको जगह नहीं मिली तेरे शरीर में, तो यहाँ जगह मिली, यही बैठ गया। आ गए ना समझ में, तेरे से प्यार करता है, आत्मा को कभी नहीं पता चलता मैं अपनों को सता रहा हूँ। अरे कुछ कर ले तू, रहना है उसने तेरे साथ, जगह वहा दे दी तू। आ गए ना समझ में, जब योनी ऊपर ही नहीं गई, हाँ फिर जब ऊपर नहीं जाओगे तो नीचे कहीं बैठोगे कि नहीं बैठोगे, हाँ फिर तेरे अलावा कहाँ जाएगा। बहू के घुटने पकड़ ले, अर्कल को बोलने लग जा बहू के मुख से, तू क्या कहेगी, तू इसमें कहेगी ले आए नाश पीटे, ये तो बहू है, कहेगी कि नहीं कहेगी। फिर तो तेरे पास रहा वो हमेशा, लेकिन वो प्रेम करता है इसलिए पास है। आगे ना, जो आदमी चला जाता है ना उसको पता नहीं चलता, वो अपने बच्चों को प्रेम करता है, तब वो उनके अंदर घुस जाता है बच्चों के, उसको नहीं पता मेरे बच्चे मेरे कारण दुख पा रहे हैं, है ना माता जी। क्या हो रहा है, तो जोर क्यों लगा दिया, कहाँ दर्द है, अभी थोड़ा कम काम करना है ना उस हिसाब से, कभी बहुत ज्यादा चलने का पता करें, यहाँ से फिर पुट्टा पैदल चले गए 1.5-2 किलोमीटर। मम्मी तो सारा दिन चलती रहती थी, वह अब बैठ गई, चलती रही, दोबारा से भगवान की मौत होने वाली है, पोते पोतियों ने खुला लेंगी और कोई काम कर लेंगी। मम्मी तो बहुत काम करती थी, ऊपर नीचे चलती थी, रसोई में चौकी मालिश करा करती थी। बोलते शनिदेव महाराज इस सब की मुक्ति करना जो मेरे अंदर, चल जा ले जा अपनी लाठी, इस दिन ठीक हो जाए।